बजरंग बली मेरी मौत हो चुकी है, मैं भगवान के हाथ से मरा, वो रावण कंस के रावण के हाथ से नहीं मरा, इसी कारण से मैं आपकी मौत होगी। वो हनुमान जी का विराट रूप था और सत्यनारायण जी का मंदिर था वहाँ पे, और केदारनाथ का शिवलिंग था, जो श्री कृष्ण भगवान ने केदारनाथ के शिवलिंग की पूजा की थी, वो केदारनाथ का शिवलिंग है। It's 6 in the morning. Good morning, everyone. Welcome back to the channel. I hope you're doing great. आज prediction ये है कि मौसम सुहाना रहने वाला, जैसे जब हम लोग चंडी देवी गए थे तभी था। और नीचे बीच है, चलते उधर। ओह माय गॉड, अब इधर सुन रहा। नथिंग इज अनडूएबल, आई कैन नॉट मेक इट इजीियर, इफ आई कुड ओनली स्लिप थ्रू टाइम, make my present bearable, if I could go back there and take you in my arms, tell you how I really felt, change the way it all played out, but man, वो ब्रिज अगर आपको दिखाई दे रही है वो ब्रिज है राम झूला, हम लोग आए हैं लक्ष्मण झूला। आज की जितनी आइटनरी है वो उस साइड ही है, परमात्मा केतन की साइड। बीच पे तो रेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सीरीन है। बस साफ सफाई का ध्यान रखना, अगर आ रहे हो तो बस साफ सफाई का ध्यान रखना, क्योंकि ऋषिकेश फिर वापस आएगा नहीं। एक ही जगह ऐसा जगह हो तो ऐसा टोटली वर्थ इट, जितना कल मैंने स्ट्रगल किया ना सब वर्थ इट। तो ऋषिकेश जो है वो एक स्पिरिचुअल जगह है, लोग अपने आप को खुद को ढूंढने के लिए यहाँ पे आते हैं, सब आध्यात्मिक जगह है। तो इसको ऐसा हॉलीडे ट्रिप नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ हॉलीडे मनाने आया, छुट्टी बस जगह देखने आया, ऐसा नहीं। यहाँ पे वो सब हो सकता है जो कहीं भी नहीं सोचता है, जो मेरे साथ कल ही रात हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ पर हो गया, बहुत सालों से नहीं हो रहा था, कल हो गया, ऑल थैंक्स टू स्वामी कैलाशानंद गिरी। यहाँ पे कुछ मत बोलो, कुछ रिकॉर्ड मत करो, मुझे करने का मन भी नहीं कर रहा है, बट आपको शो करना है तो ऑब्वियसली हैव टू डू इट। जस्ट बी। परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर ही है, ये बहुत बड़ा है, देयर इज सो मच टू सी। तो अभी हम लोग एक सवा एक घंटा यहीं पे रुकना है, उसके बाद कहीं जाना है। रुक ये हवन छोड़ के कहीं और बैठ सकते हैं ना, यहाँ बैठ सकते हवन। तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः, महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कुलकर्णी राक्षस कुलातो वक्
यहाँ के बच्चों को देख के ना मन करता है ऐसी गंगा में जाके कूद जाए। धरती बोझ ऐसा कहीं पे किसी ने नहीं बोला कि नहीं आप शूट नहीं कर सकते। मैंने परमिशन लिया, मैं जाके पूछा कि मैं शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ आप आराम से शूट कर सकते हैं, जितना फोटो चाहिए क्लिक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना अच्छा सुबह मेरा कभी नहीं बीता। हाँ हाँ, यज्ञ तो हो ही गया। उसके बाद इतना अच्छा वो क्या था, वो सूजी के साथ कुछ बना हुआ था, वेजिटेबल्स एंड वगैरह सब कुछ थे, बड़ा टेस्ट। अब मुझे पता नहीं कि वहाँ अलाउड है कि नहीं सबको, कॉमनली जो आदमी आते हैं पब्लिक वहाँ पे जाके खाना, पर मैं घुस के खा लिया, मुझे किसी ने रोका नहीं। स्वादिष्ट बहुत अच्छा था। मैं जहाँ जाने वाला हूँ पहला स्पॉट, ये अपना पहला स्पॉट है भी नहीं है, पहला डेस्टिनेशन अपना है ही नहीं आज का। वो 10 बजे खुलने वाला है, तो अभी 9 बज रहा है, 1 घंटा है, तो मैं अभी वहीं पर चक्कर लगाऊँगा, अच्छे से देखूँगा। लगता है वो बस मेंबर्स के लिए था जहाँ पे घुस के मैंने खा लिया। मेन बात बताना भूल ही गया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगर ऋषिकेश में आऊँगा तो स्वामी जी के मुझे दर्शन हो जाए। तो कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी मौन धारण किया उन्होंने, पैर तो छुए मैंने ऐसे 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 सारे पाप। आहा, पता नहीं आपको व्लॉग में मज़ा आ रही है यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ अभी करना है। अभी तो सुबह के 8 ही 9 बजे और अभी मुझे 10 बजे रात तक व्लॉग करना है, तो कितना बड़ा वीडियो बनेगा आई डोंट नो, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। यहाँ 2013 में जो पल्ला आई थी, ये शंकर भगवान की मूर्ति बह के आई, तब से आरती होती है। हनुमान जी हिमालय पर्वत से सज्जन बूटी लेके आते हैं और रावण रास्ते को भेजता ब्राह्मण के रूप। हनुमान जी नमस्कार करते हैं, हे ब्राह्मण देवता मुझे रास्ता छोड़िए, मुझे सज्जन बूटी ले आना है, बच्चे बैठो कुछ खा लो। हनुमान जी को पता है राक्षस है, उसका वध कर लेते हैं, और हनुमान जी उसका वध करते हैं उसका रूप अलग हो जाता है, दांत निकलते हैं, ये बोलते हैं राक्षस। जब हनुमान जी अपना विराट रूप दिखाते हैं हनुमान सीता माता, तब राक्षस बोलता है भगवान बजरंगबली मेरी मौत हो चुकी है, मैं भगवान के हाथ से मरा, वो रावण कंस के रावण के हाथ से नहीं मरा, इसी कारण से मैं आपकी मौत होगी। वो हनुमान जी का विराट रूप था, और सत्यनारायण जी का मंदिर था वहाँ पे, और केदारनाथ का शिवलिंग था, जो श्री कृष्ण भगवान ने केदारनाथ के शिवलिंग की पूजा की थी, वो केदारनाथ का शिवलिंग है। अब इसका नाम है परमार केतन, जो ऋषि मुनि ने तप किया है वो ऋषि मुनि है, गुरु शंकराचार्य, रुक अभी, गुरु शंकराचार्य और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने वो यहाँ तप किया था। अभी भी यहाँ हवन होता है, डेली हवन होता है, और पीपल का पेड़ में गणेश भगवान है, पीपल का झाड़ में शिव किसी ने बनाया नहीं, जो मूर्ति है वो पहले के बनी है, और अब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो अचानक भगवान के गणेश जी का दर्शन होंगे। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, हे जब सिर कार्य था गणेश का, भोलेनाथ ने
हे पार्वती तू क्यों रोती है? पहले नाम गणेश जी का लिया जाएगा, तू उस सूंड से मत देख, पहले गणेश जी का नाम जाएगा। गणेश का जो है पहले सत्यनारायण की कथा होती है तो गणेश जी का नाम दिया जाता है। तू गणेश जी पीपल का पेड़ में तो गणेश जी का अवतार है, वो आपको दिखाऊंगा, सब लोग शांति रखें। उसके बाद दिखाऊंगा रुद्रास। रुद्रास क्या होता है? उसके दर्शन चारों धाम के दर्शन करने बराबर होते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। और कोई रुद्रास का पानी पिए, उसका जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, शुगर दर्द, कोई बीमारी मैं पीता हूँ और मैं आपका स्वस्थ, मैं एक दिन में 25 किलोमीटर चलता हूँ और रुद्रास दिखाऊंगा हमको। पर आपका शिवलिंग है जो उसका बोलते हैं एस्पिटिक शिवलिंग, उसका दर्शन कराऊंगा, उस पर चिंगारी जलेगी, आग जलेगा, वो दिखाऊंगा आपको मैं। नीलकंठ भगवान शेर वाली माँ चले, चंदन का पेड़। ये चंदन का पेड़ है, मुझे पता नहीं था, इसलिए इनके पास रह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो अपने आप को कोई बता नहीं सकता। लोगों का किस्मत अच्छा है कि ये मिल गए। 82 इयर्स के हैं, गौरी कुंड से। ये सोने का मंदिर है, बड़ा सा महल, हाथ जोड़े। ये श्रवण कुमार हैं, आज हाथी घोड़े राजा दशरथ को श्राप इन्होंने दिया था। कहाँ दिया? पांडु केसर में, जब अपने माता पिता को चारों धाम पता है। ये श्रवण कुमार है, हिरण्य कश्यप। हाँ, परिक्रमा करें, उड़ाला से नित्य। हाँ, परिक्रमा करें, उधर से घूम गए, उधर से घूम गए, बस आते हैं। अब बोलते हैं मेरे राम कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे। जब राम जी आते हैं बोलते हैं इसमें चिंगारी जलती है, अतः उनका उद्धार होता है। ये मेरा भाई है श्री कृष्ण भगवान, उधर श्री कृष्ण भगवान गाय के साथ में, उधर देखिए। तो मैंने कहानी सुनाई आपको की, बोलो बद्री विशाल की, बोलो केदारनाथ भगवान की। ये हमारे बंगाल के लोग हैं, अच्छा, और उत्तराखंड में आए हैं और ये चारों धाम के दर्शन करते हैं। मैं गाइड हूँ, 80 साल का ब्राह्मण हूँ केदारनाथ गौरीकुंड का, और ये सच्चे धाम है उत्तराखंड के, देव दर्शन करने के लिए आ रखे हैं और ये बहुत अच्छे भगवान के दर्शन करने आए, बहुत सुंदर है। और बोले हमारा वो है पत्रकार है और आपकी बोलिए वीडियो बना रहा, पूरी वीडियो आपके बंगाल में जाएगी और पूरा बोली, ठीक है। आइए आप 80 के सच 80 दानी, बाप रे जी, आप 40 लगते हैं जी, जी सर। मैं 25 का होकर 50 लगता हूं। मैं झूठ बोलता सर, क्यों झूठ बोलना किसी उम्र का झूठ क्यों बोलना है? हाँ, 80 80 80 क्या ही फिटनेस है उनकी। मैं तो निकलने वाला था, जूता पहन लिया था, अभी वापस खोल के सोचा कि गाइड सब कुछ बताते हैं तो आ जाते हैं, बहुत चीजें पता चली। Sometimes things happen. तो जहाँ पे मैंने वो ब्रेकफास्ट खाया था ना, वो सूजी वाला, तो वहाँ पे मैं वापस गया ही देखने के लिए कि सच में मुझे गलती से खा लिया कि कुछ मिल रहा है फ्री में। तो एकदम गलती से, वहाँ घुसना ही अलाउड नहीं है, अपना ब्रेकफास्ट हो गया, आप सीधा रात में। ये कौन सा झूला है? ये जानकी झूला यही है क्या? अच्छा ये, अच्छा अच्छा, जानकी झूला इधर, उसके बाद राम झूला, उसके बाद लक्ष्मण झूला। वैसे यहाँ जहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने किया था ना, वहाँ पे कोई बैठे जिन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, तो मैंने उनको पूछा कि गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं वापस से, तो उन्होंने बोला कि हाँ करा दूंगा, शाम में आना आरती के बाद। मैंने बोला आरती कब होती है? तो बोले 5 बजे के बाद। आज धूप है लेकिन हल्की हल्की है, एकदम हल्की, मतलब पता भी नहीं चलेगा, बस उतनी सी। पहला डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आ ही गया है, बस 300 मीटर और, फिर मैं बताता हूँ आपको कहानी वहाँ की और इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं मोर इम्पोर्टेंटली। इंग्लैंड का एक सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बैंड, अगर कोई म्यूजिक बैंड कहा जाएगा तो वो बीटल्स है। इंग्लैंड का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का आज तक का ग्रेटेस्ट म्यूजिक बैंड इन द हिस्ट्री। और उस समय में इंडिया में महर्षि योगी थे जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे। अब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है आप जाके देख लेना, उसमें एक रैंडम साउंड दिया जाता है, मतलब की सिलेबस का कोई मीनिंग नहीं होता है, जो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या, उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। वो ऐसे आपको नहीं मिल सकता है, वो टीचर आपको देता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का जो टीचर रहेगा वही आपको देता है। तो वो लोग उसमें इंटरेस्टेड हुए और तभी US और इंडिया के बाहर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और ऐसे इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो थी वो वाइड स्प्रेड हो रही थी, सब जगह पहुंची जा रही थी। उनको भी इंटरेस्ट आ गया, महर्षि योगी के शिष्य बन गए और उन्होंने सीखा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अब वो तो सीख ही रहे थे लेकिन माँ गंगा तो इंग्लैंड में बहती नहीं है, वहाँ तो थेम्स नदी बहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं ऋषिकेश, वहाँ पे क्योंकि महर्षि योगी का यहाँ आश्रम भी है, वहाँ पे आके
गंगा जी के आसपास कुटिया सब बनाई ऐसा। यहाँ पे जो पत्थर आप देख रहे हो ना, इसमें जो भी पत्थर है वो सब गंगा जी के तट पर से ही जला के बनाए गए। यहाँ से 84 कुटिया ऐसा बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 84 केव्स है। उन लोगों ने अपने मेडिटेशन के लिए बनवाया। सोचो इसको कहता है दिमाग। पैसा वैसा सब कमा ही लिए, मटेरियलिस्टिकली भी इतनी सक्सेसफुल और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको गुरु मिल गए, ध्यान तो कर ही रहे, साधना कर ही रहे। इसमें फेल होने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें इस पैथ में फेल भी हो गए तो बाकी के पैथ से सक्सेसफुल होने से ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अलग बात है, ऋषिकेश में आपको जो साधु मिलेंगे जो सैफ्रॉन पहने हैं, मतलब वो गाली गाली देते अगर हमको पैसे ना दो तो, उनको ना लक्ष्मी मिली है ना नारायण मिले हैं, तो वो अलग बात है, उन पर आप ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन उस पैथ में आप फेल भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे आके वो साधना करते थे। अब कौन म्यूजिक बैंड ऐसा करता है? ऐसा तो किसी ने किया नहीं था। After you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh, the brain down the drain. Oh, the fuse, the abuse. Needless to say, यहाँ पे कोई रहता है नहीं। ये गवर्नमेंट के पास आ चुकी है पूरी प्रॉपर्टी। तो 200 रुपए एंट्री फी है, डिपेंडिंग कि अगर स्टूडेंट है तो 100 रुपए वगैरह वगैरह। ये सोचो यहाँ पे उन्होंने बहुत सॉन्ग्स लिखे हैं, बीटल्स के बहुत सारे ट्रैक यहाँ पे मेडिटेशन करते करते उन्होंने लिखा है। मतलब आज के जमाने में भी अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ, मतलब वहाँ भी पैसे की जरूरत पड़ रहा है। Amend what you defend. I'm right, therefore I fight. You're wrong, this fight is lifelong. बहुत रूम्स भी है यहाँ पे जो अबैंडन्ड है। यहाँ पे कुछ है नहीं, बस आपको स्क्रिबल्स यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या स्क्रिबल किया गया है। यहाँ पे लिखते हैं प्लीज माइंड ओवर मैटर, ऑल यू नीड इज लव। और फिर बाहर में जाके वो बीड़ी फूकते हैं, वो अलग बात है। लिखने में बड़ा आसान, लिखने में क्या है सर? ये देखो भांग, भांगोड़ी सबका कमी थोड़ी है। तो लड़की पटाने की निंजा टेक्निक। गेट इनटू द किचन एंड मेक मी सम पाई। मेस्ट्री कॉम आउटरस पेसोस। Então, assim, oh, não tá bem claro. Teve um escândalo com Maharishi e Mahesh Yogi. पैसा हो तो क्या नहीं कुछ हो सकता है। मन तो कर रहा है सीढ़ी पे चढ़ने का, लेकिन अरे बाप रे बाप, आप ये रिस्क मत लीजिएगा। आई डोंट रिकमेंड दिस। पर से मेरा वजन नहीं झेल पाएगा, इतना मुश्किल से चढ़ के ऊपर आए कि थोड़ा सा बैठेंगे तो यहाँ भी फोटोग्राफर लोग ना साफ जगह पहुँच जाते। रोल ऑफ द स्टोरी समझ रहे हो ना, जल्दी जल्दी पैसे कमा के अमीर बन जाना है, उसके बाद जो है यही सब मेडिटेशन तो करना है। पर अमीरी तो नहीं बनते हैं। हम लोगों के लिए यही है, स्टोर रूम के पीछे जो है दरी बिछा लो और फिर वहीं मेडिटेट कर। तो हो सकता है आप सोचो कि वो लोग तो 5-6 लोग थे, बैंड जो था उन लोगों का तो छोटा था। ये इतना 84 कुटिया, तो इसको कहते हैं ऑप्यूलेंस। ये है रियल ऑप्यूलेंस। हद मजा है, अगर वापस से बीटल्स आता तो ये सब देख के बेचारा फिर चल जाता। अरे मान जाओ यार, मान जाओ पिंकू, वो भी पूरा वॉल में लिखा पिंकू। टू ऑल द पिंकूस। बीटल्स लोग आप लोग ऐसे वैसे हल्के में मत लेना। जॉर्ज हैरिसन 10-12 घंटे यहाँ पे मेडिटेशन करते थे, मतलब ऐसे ही नहीं बनवा दिया था उन लोगों, सच में करते थे वो। वो सारे गाने हैं जो इंस्पायर्ड है यहाँ से, द बीच बॉयज, अक्रॉस द यूनिवर्स। शिवाम 17 जनवरी 2024, शिवाम वॉज हियर बट शिवम इज हियर। वाह वाह वाह, अभी कुछ खाने का तो नहीं हो।
रुचिका लव्स विश, कौन पढ़ने वाला है इसको, मतलब किसको इंटरेस्ट। शिवम एंड नंदिनी, नंदिनी तुम कहाँ हो? अब नहीं, अब आओ। प्रकाश मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बस यही तो लिखना था। अब प्रकाश थोड़ी ना रुक पाएगा, अब तो वो मान के ही रहेगा। TM मतलब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right. बहुत अच्छा। से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, गहराई वाली बात है कि आपको लगता होगा कि जॉर्ज हैरिसन और पॉल मकार्टनी जो बीटल्स के ग्रुप थे उनके पास पैसा बहुत था, इसीलिए गुरुजी जो है आ गए, लेकिन बात बनती नहीं, उन लोगों को कर्म होंगे, ऐसे पैसे से नहीं किया जा सकता है। लगता होगा कि आप बस अमीरों के गुरु है, लेकिन नहीं, जब तक क्लिक नहीं करता है ना तब तक वो किसी के पास वो पहुंच ही नहीं सकते। लोग का अपना कुछ था, पिछले जन्म का रहा होगा। Play along after you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh, the brain down the drain. अभी एक मुझे लेडी मिली तो वो चढ़ नहीं पा रही थी, तो सीढ़ी पे मैंने उनको ऐसे पकड़ लिया, तो जैसे मैंने उनका हाथ ऐसे पड़ा तो शी सेड कि व्हेन यू टर्न 73 यू नीड हेल्प। आई सेड कि यू डोंट लुक 73, यू लुक 50। आई हैव ऑलरेडी मेट अ मैन हु सेड ही वाज 83 एंड ही लुक लाइक ही वाज 40। शी सेड कि ओह यू गॉट टू बी किडिंग मी, आई एम 73, आई डोंट लुक 50 डू आई। आई सेड यस मैम यू डू। वेयर आर यू फ्रॉम? तो बोलती है लॉस एंजेलिस। I said कि ओ LA, जैसे कि मैं कितना बार जा चुका हूँ। Where are you from? बोला चक्रवर्ती ले, बैतान गली के पीछे वाला जो चांपा कल है बस वहीं पे। चले गई वो। अच्छा ये म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक हॉल वगैरह नहीं था, यहाँ पे वेद भवन था, यहाँ पे लेक्चर दिए जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा शहर ही बना लिया था इन लोगों ने। God, this is so satisfying. Before I fight. हद से ज़्यादा स्पेस है, हद से ज़्यादा, क्या इतना जगह। अभी तक जो बेस्ट व्यू गंगा जी का आया है ना। You're wrong, this fight is lifelong. I love you अभी, इसी ने अभी काट के बाद में लिख दिया। Good. This vow, the lie.